हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर फोर ऑफ दिस सीरीज दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स सो ये हमारा कौन सा है लेक्चर नंबर फोर है ओके सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेवस तो पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक तरह का अल्ट्रासोनिक वेव जैसा ही ये Okay. तो वो हम देखेंगे एंड ये क्या चीज़ रहती है एंड अप्लीकेशन देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स के क्या होते हैं ओके okay? वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड दैट इज तो देखो क्या है लिखा है पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये वर्ड देखो पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीजो इलेक्ट्रिसिटी ओके okay? uh, ये सब मीनिंग देखते हैं अभी यहाँ पे ओके okay? तो देखो पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सर्टेन सॉलिड मटेरियल्स इन रिस्पांस टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस और प्रेशर मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल है जिस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया ओके okay? मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस एक तरह का okay? ओके जैसे हम अप्लाई करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करता है कि चार्जेस वहाँ पर एक्यूमलेट हो जाते ओके okay? उस उसके अंदर वहाँ पे चार्जेस एक जगह पे जमा हो जाते हैं ओके तो इसी को क्या बोला जाता है कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ से चार्जेस निकलते ओके तो ये उसका एक एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है देखो ये मटेरियल है पूरा सॉलिड मटेरियल है तो उसको क्या कर रहे हैं यहाँ दोनों साइड से हम प्रेशर दे रहे हैं ओके जैसे वो देखो यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है और कॉम्प्रेशन होते ही देखो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है जिसपे देखो वी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो ये है देखो वोल्टेज यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या है वोल्टेज चेंज हो रहा है वोल्टेज कब चेंज होगा जब भी वहाँ पे चार्जेस उसके अंदर से मूव होंगे तो यहाँ इसमें से जब चार्जेस ऐसे सर्किट फॉर्म करेंगे ओके okay? सर्किट में ऐसे मूव करेंगे तभी चार्जेस होंगे तो वो चीज़ को ही क्या बोला जाता है एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिसिटी ये जो फिनोमिना है इसको पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है और ये जो चीज़ हो रही है ओके okay? इसी को बोलते हैं पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके तो देखो क्या है पीजो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर मतलब पीजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल प्रेशर आने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी को क्या बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी ओके इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड तो ये ग्रीक वर्ड है उसमें से ये एक्चुअली वर्ड बनाया गया था जिसमें ग्रीक वर्ड क्या था पिजिन पिजिन का मीनिंग था इलेक्ट्रॉन ओके okay? और पिजिन मीन्स टू स्क्वीज और प्रेस और पिजिन का और एक मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ को हम ऐसा प्रेस करेंगे ओके उसको ओके उसको पिजिन बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है इसलिए ये ऐसा वर्ड बनाया गया था कि पिज़ो इलेक्ट्रिसिटी पिजिन और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दोनों वर्ड्स को मिला के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बनाया गया था वो अभी देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द लीनियर इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेट इन सम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स मतलब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है देखो तो ये क्या है एक लीनियर इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंटरेक्शन है मतलब इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ओके okay? दोनों का भी इंटरेक्शन ओके okay? यहाँ पे है बिटवीन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेट इन सम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स मतलब कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उनके बीच के जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टेट है उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है ओके okay? उनके बीच में जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंट्रैक्शन होता है उसी को बोला जाता है पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके देन नेक्स्ट क्या है द पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस तो ये जो पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्चुअली कैसा है ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब एक बार चार्जेस गए तो वही चार्जेस वापस नहीं आएंगे रिटर्न नहीं आएंगे ओके मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो ये वही चीज़ होगी मतलब उल्टा नहीं चलेगा ओके okay? ये वापस रिवर्स में नहीं होगी प्रोसेस ओके okay? मतलब वापस चार्जेस रिटर्न नहीं आ जाएंगे ओके okay? जो चार्जेस चले गए वो वापस नहीं आने आने वाले ओके okay? इस तरह से मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में चलेगी ओके कंटिन्यू सो इसलिए क्या बोला जाता है द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ओके और क्या रहता है कि जो भी नेचुरल प्रोसेस रहते हैं मोस्टली वो सब रिवर्स uh, ओके okay? तो ये uh, ओके okay, एक मिनट ये क्या है वो वापस इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवर्सिबल बोला है, okay? मतलब वो वापस नहीं है मतलब इसको हम वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते ओके okay? ये चीज रहती है अगर ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते वो चीज को तो हम उसको इन रिवर्सिबल बोलेंगे और क्या लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये हो सकता है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल है, देखो पिजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल रहते हैं वैसा तो क्वार्ट्स क्रिस्टल पर दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्वार्ट्स क्रिस्टल में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है ओके द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्यूरी बदर्स जैकस एंड सेरी क्यूरी ओके इन एटीन एटी तो ये सब देखो जैक्स जैक्यूस एंड पेरी क्यूरी ओके ये दोनों को जो है थे दोनों भाई थे ओके okay? ब्रदर्स थे क्यूरी ब्रदर्स इनको बोला जाता था तो इन दोनों ने मिलके द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्चुअली डिस्कवर किया था ओके ही फाउंड दैट ही फाउंड दैट सर्टेन क्रिस्टल्स ही फाउंड दैट सर्टेन क्रिस्टल्स लाइक क्वार्ट्स रोचिल सॉल्ट टर्मालाइन डेवलप इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्रॉस देयर फोर्सेस वेन मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल ओके क्या है मतलब कि कुछ क्रिस्टल्स है ओके okay? कौन से क्रिस्टल्स है क्वाड्स है रोचल सॉल्ट है टर्मालाइन है जो एक्चुअली क्या डेवलप करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप करता है जब उसके ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स ओके जिस जहाँ पे उसके फोर्स जो फोर्स लगाया जाता है प्रेशर लगाया जाता है ओके वहाँ वहाँ पे एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप करता है ओके क्रिस्टल में दैट इज इफ दिस क्रिस्टल इज स्ट्रेच्ड और तो क्या होता है ये जो क्रिस्टल है वो अगर स्ट्रेच किया जाए बोस्ट ओके या फिर कॉम्प्रेस किया जाए अलोंग सर्टेन मैकेनिकल एक्सिस ओके एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस तो क्या होता है जिस डिरेक्शन में हम उसको प्रेस और ये करेंगे उसके अपोजिट डरेक्शन उसके परपेंडिकुलर डिरेक्शन में क्या होगा वह से पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली प्रोड्यूस होगा ओके वो चीज होगी यहाँ पर तो जो इसका कन्वर्स है मतलब अपोजिट अगर इसको करें फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज टू जनरेट अल्ट्रासाउंड ओके okay? तो अगर इसका उल्टा प्रोसेस अगर हम करते हैं ओके okay? प्रेशर अप्लाई करने के जगह पे अगर उल्टा मतलब क्या है अभी प्रेशर अप्लाई किया और वोल्टेज मिला अभी क्या करेंगे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है तो जो हमें मिलेगी वो चीज़ क्या है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड मिलेगा वहाँ कभी ओके ये हम आगे स्टडी करेंगे कि अल्ट्रासाउंड देखो क्या होता है ओके okay? लेकिन इतना याद रखो कि इसका कन्वर्स है कन्वर्स मतलब क्या है उल्टा ओके इसका मतलब क्या है अभी हम क्या कर रहे हैं इसकी देखो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि हमने यहाँ पे वोल्टेज क्या किया है जनरेट किया है कैसे जनरेट किया है इसको प्रेस करके ओके अभी क्या करेंगे वोल्टेज हम इसको देंगे ओके और फिर देखेंगे इससे क्या होता है तो अल्ट्रासाउंड वहाँ से जनरेट होगा ओके इज़ यूज टू तो जनरेट अल्ट्रासाउंड ओके तो ये भी चीज़ मैंने तो अभी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट देखते हैं तो देखो इसका कन्वर्स जो मैंने अभी बताया अनवर्स मतलब अपोजिट मतलब उसका उल्टा प्रोसेस कभी भी, भी करना तो उसी को बोला जाता है कन्वर्स तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर कन्वर्स हम देखें तो कन्वर्स क्या आता है इसका देखो जो इसका कन्वर्स है वो देखो कैसा होगा वेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एकरोस द क्रिस्टल ओके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते क्रिस्टल पे ओके okay? उसका कोई इलेक्ट्रिक एक्सिस होगा उस पर क्रिस्टल डायमेंशन चेंज तो उसमें क्या होता है क्रिस्टल के डायमेंशन चेंज होते हैं मतलब तो उसका साइज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एंड वेन एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अपलाइड द क्रिस्टल ओके और अल्टरनेटिंग अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया है इलेक्ट्रिक देन द क्रिस्टल सेट्स इंटू इलास्टिक वाइब्रेशन तो क्या होता है क्रिस्टल वहाँ पर वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है अलॉन्ग मैकेनिकल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस ओके सो द डायरेक्ट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज टू डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड तो जो ये वाइब्रेशन्स निकलते हैं इस वाइब्रेशन से ही कुछ साउंड क्रिएट होता है और वो साउंड हाई फ्रिक्वेंसी रहता है इसलिए उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड ओके अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी उससे होती है जनरेट होती है तो यही है देखो यहाँ पे इसको इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं या फिर कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं तो इसमें क्या रहता है देखो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है इसके ऊपर देखो और इसलिए क्या होता है उसका वाइब्रेशन हो रहे हैं पहले बाहर फिर अंदर के साइड वाइब्रेशन ओके इसलिए क्या हो रहा है वाइब्रेशन होने की वजह से अल्ट्रासाउंड uh, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ओके okay? और उसी को अल्ट्रासोनिक भी बोला जाता है इस साउंड इस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को ओके okay? सो <coughs> so, यही चीज़ें यहाँ पेट इसको बोला जाता है द कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं पिज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ओके तो पिज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखो क्या क्या है तो कौन से टाइप के मटेरियल है जो एक्चुअली इनको पिज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं तो पिज़ो इलेक्ट्रिक्स देखो क्या है इनको पिज़ो इलेक्ट्रिक्स भी बोला जाता है तो ये मटेरियल्स कैसे रहते हैं दैट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी वे इन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब किसी भी तरह का अगर मैकेनिकल स्ट्रेस उन पर अप्प्लाई किया जाए मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब उसको एक तो कॉम्प्रेस किया जाए या फिर उसको खींचा जाए स्ट्रेच किया जाए उसको मतलब तो क्या हो जाएगा वो टाइम पे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है प्रोड्यूस हो जाती है मतलब जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं हम वो टाइम पर उसको जो मटेरियल यूज़ किया जाते हैं वो मटेरियल को हम पिजो इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं या फिर पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते ओके सो अल्सो रिवर्स जनरेट स्ट्रेन इस बाय अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका रिवर्स जनरेट हमें स्ट्रेन करना है मतलब क्या है तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे देयर आर मेनी मटेरियल्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड विच एग्जिबिट रेंज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हमारे पास जो नेचुरल भी है और मैन मेड मटेरियल भी है ओके जिसमें एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रेंज वहाँ पे एग्जिबिट है ओके एग्जिबिट करती है मतलब वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, ओके okay? वो अप्लाई वहाँ पे वो हो करते हैं फिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो वही चीज़ है अभी देखो उसमें दो चीज़ मैंने बताया ना पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दो है मतलब क्या है नेचुरल भी है और मैनमेड भी है तो अभी नेचुरल को पहले देखते हैं कैसा है नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से कौन से हैं ओके तो ये दिखने में तो नॉर्मल क्रिस्टल की तरह ही होते हैं मतलब नॉर्मल क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल नॉर्मल नहीं होते सब ओके इनका कुछ अलग ही शेप मतलब पत्थर के जैसा शेप रहेगा ओके इसलिए मैं यहाँ पे कोई फोटोज़ नहीं इनके इसमें डाले लेकिन वो ऐसे ही दिखते हुए से सम नेचुर पिजो इलेक्ट्रिक ऑक्रिंग मटेरियल्स आर क्वाड्स रोशिल सॉल्ट टर्मालाइन टोपैस बर्लीनाइट एक्सेट्रा ओके कुछ uh, के फोटोज में दिखाऊँगा आपको आगे ओके पिज़ो इलेक्ट्रिक सिरामिक्स लाइक लिथियम नियोबेट ओके ये गैलीम आर्सिनाइड है ओके देन जिंक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम नाइट्राइड लीडो जीरकोनेट टाइटेनेट मतलब पीज है टी बोलते इसको एक्सेट्रा ओके okay. देन पॉलीमर फिल्म पिजो इलेक्ट्रिक्स लाइक पॉलीविन लीडिंग फ्लोराइड इसको पीवीडीएफ बोलते हैं ओके okay? तो ये नेचुरल पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है अभी मैन मेड पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कौन से कौन से होते हैं वो भी देखते हैं ओके okay? तो देखो मैन मेड पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इंक्लूड बेरियम टाइटानट लेडी जिरकोनेट टाइटानट रिसेंटली कंसिडरिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इशूज अगर हम कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इश्यूज अगर हम रिसेंट के अगर कंसिडर करें लीड फ्री पेजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर प्रीफर्ड विच आर मोर इन्वायरमेंटली सेफ तो अगर हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इशू के बारे में अगर सोचें तो हम हमें लीड फ्री पेजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमें प्रीफर करने चाहिए बिकॉज दे आर मोर इन्वायरमेंटली सेफ़ ओके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत सेफ है कौन से लीड फ्री लीड अच्छा नहीं होता है ओके okay? इन्वायरमेंट के लिए तो लीड फ्री पिज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स अगर प्रीफर करें तो हमें अच्छा है ओके okay? <coughs> तो इसलिए लीड जिरकोनेट वगैरह नहीं लेना चाहिए ओके okay? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है ये हमें पता चल रहा है इसमें से <coughs> तो हमने यहाँ पे देख लिया नेचुरल पिजो इलेक्ट्रिक मटरल्स भी देखे मैनमेड पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखे उनके अभी कुछ के में फोटोज यहाँ पे रहेंगे मेरे पास ओके okay? वो हम देखते हैं इसमें से ओके okay? तो देखो ये ये नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखो तो क्या है इसमें देखो क्वार्ट्स क्रिस्टल है क्लस्टर फ्रॉम टीबेट ये टिबेट का है देन टोपैज़ है यहाँ पे रोचल सॉल्ट देखो ऐसा दिखता है मतलब सब पत्थर जैसे दिखते हैं देन शोरी टर्मालाइन ये टर्मालाइन का है देन शुगर गेन है यहाँ पे डेंटाइन इनेमल ओके ये सी चीज़ है टेंडन बोन इसमें भी मतलब पिजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ये ये हमारे नेचुरल है ओके बोन्स भी हमारे उसमें पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है ओके देन बिल्डिंग एंड ब्रिज ऑसिलेशन ओके तो बिल्डिंग एंड ब्रिज के ऑसिलेशन की वजह से भी पिलो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है देखो ये सब एक्चुअली कैसे है सब मैन मेड है ये सब मैन मेड है ओके यहाँ पर जितने भी ह्यूमन मोशन ओके वहीकल वाइब्रेशन होते हैं उसकी वजह से भी होता है ये जो देखो यहाँ पे पावर शूज रहते हैं मतलब जितना हम चलेंगे उतना उस पर प्रेशर आएगा उसके हिसाब से वहाँ पे पावर जनरेट होता है उसके अंदर चार्जिंग होता है ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक देखो एक मटेरियल है सिंथेटिक मटेरियल क्या है कि गैलियम ऑर्थोफॉस्फेट और गैलियम फॉस्पेट बोलते हैं इसको जी ए पी ओ ओके okay, इसको बोला जाता है तो ये क्या है थे इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर ये नेचर में तो फाउंड मिलता नहीं है बट हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इज जनरली यूज टू सिंथेसाइज द क्रिस्टल मतलब ये बनाने के लिए क्या करते हैं हाइड्रोथर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं okay, ओके ये दिखने में देखो ऐसा क्रिस्टल है ठीक okay, है ऐसे फॉर्म में आता है और ये बनाने के लिए क्या करते हैं हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिससे ये सिंथेसाइज किया जाता है क्रैलियम ऑर्थोफॉस्फेट इज अ कलरलेस ट्राइगोनल क्रिस्टल तो ये कलरलेस है ट्राइगोनल क्रिस्टल है देखो हमें ये ट्राइगोनल दिखता ही है वैसे ना ट्राइंगर फॉर्म में दिखता है थोड़ा देन इट इज़ आइसोटोपिक विथ कॉर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब कॉड्स का ये आइसोटोपसी है और है इसकी प्रॉपर्टीज भी उसके जैसे ही है इन जी ए पी ओ सिलिकॉन एटम्स आर अल्टरनेटली सब्टीट्यूटेड विथ गैलियम एंड फॉस्फरस बिकॉज ऑफ विच पिजोलिट्री इफेक्ट गेट डबल तो क्या हुआ है इसमें क्या होता है जी ए पी ओ में जो सिलीकॉन एटम है उनको वो अल्टरनेटली वहाँ पे प्लेस किए रहते हैं विथ गैलियम एंड फॉस्फरस मतलब गैलियम पहले गैलियम आएगा फिर सिलिकॉन फिर फॉस्फोरस फिर सिलिकॉन फिर गैलियम ऐसा मतलब अल्टरनेट रहेगा ये ओके बिकॉज ऑफ विच पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गेट डबल इसके वजह से क्या होता है पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे डबल्ड हो जाता है देयर फॉर जी ए पी ओके तो जी ओ पी ओ जो है हेज़ मैनी एडवांटेजेस तो इसके एडवाटेज भी बहुत ज़्यादा है ओके okay? तो ये जी ए पी ओ फोर भी रहे इसका नीचे जो होगा ना ये फोर रहेगा ओके okay? ये याद रखना केमिकल फार्मूला रहेगा उसका हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर क्वार्ट्स लाइक इट हैव हाई इलेक्ट्रो मैकेनिकल कपलिंग कोफिशियंट इन रिजोनेटर्स बिकॉज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक डबलिंग इफेक्ट ओके पिजो इलेक्ट्रिक डबलिंग इफेक्ट की वजह से ये इसका कपलिंग कोविशियंट भी ज़्यादा रहेगा रिजोनेटर में लो टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ जी ए पी ओ फोर ओके okay? तो क्या है जो इसका टेम्परेचर स्ट्रक्चर है लो है बहुत इज स्टेबल अप टू नाइन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ओके तो ये बाकी क्रिस्टल से तो कम ही मतलब तो नाइन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस है दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू तो क्वार्ट्स क्वार्ट्स के कंपेरिजन में ओके <coughs> नेक्स्ट ना देखते गैलियम महतो स्पेट हमने देख लिया जो एक्चुअली सिंथेटिक वहाँ पे ये हमने बनाया हुआ क्रिस्टल ओके सिंथेटिक है जो एक्चुअली नियर अबाउट उसके प्रॉपर्टी स्क्वाड्स की तरह ही रहते हैं नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स अब अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है यूजिंग फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करके अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे बनाए थे सो एक्चुअली कन्वर्स मींस अपोजिट पोजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज टू जनरेट अल्ट्रासोनिक्स या फिर अल्ट्रासाउंड बोलते ओके ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो कन्वर्स है एक्चुअली फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वही एक्चुअली क्या जनरेट करता है अल्ट्रासाउंड कर, जनरेट करता है मतलब अल्ट्रासोनिक्स कन्वर्स जो अपोजिट फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है देखो उसको अभी डिटेल में देखते हो वापस वेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एक्रॉस द क्वाड्स क्रिस्टल ओके मीनस इलेक्ट्रिक एक्सिस से जब भी हम क्या करेंगे क्वाड्स क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल के डायमेंशन चेंज हो गए और जब भी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर उसके इलेक्ट्रिक एक्सिस में क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए देन द क्रिस्टल सेट्स इन टू इलास्टिक वाइब्रेशन तो उसके बाद उसके अंदर इलास्टिक वाइब्रेशन सेट्स हो जाएंगे उसके मैकेनिकल एक्सिस के अलॉन्ग ओके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलाग ओके okay? तो ये थर्स क्या होगा कन्वर्स इजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ यूज टू जनरेट अल्ट्रासाउंड तो उसके वजह से एक साउंड क्रिएट होगा और उसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है और वो क्या होता है उसके किसके वजह से होता है ये? कन्वर्स पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है एंड पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड और जो पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमें इसे डिटेक्ट करने के में भी हेल्प करता है ओके okay? अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करने के लिए तो यही है एक्चुअली कन्वर्स और अपोजिट uh, पिज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके okay? So, नेक्स्ट देखते हैं तो देखो यही चीज़ रहती है जो इसको पीजो इलेक्ट्रिक जब हम जनरेट करते हैं ओके तो इसलिए तो इसमें क्या क्या रहता है देखो यहाँ पे रिजोनेटर है एक क्वार्स क्रिस्टल यहाँ पे है यहाँ पे भी क्वार्स क्रिस्टल रखा हुआ है जो पीजो जो एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है चीप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्स ओके सिंपल सर्किट है यहाँ से देखो ये अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है ये इसको अप्लाई किया है और देखो बैटरी यहाँ पे और ये यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यह ट्रांजिस्टर रहेगा और ये पूरा सर्किट है देखो यहाँ पे भी कॉर्ड सिस्टर लगाया हुआ है ठीक तो इस तरह से ये पूरा सर्किट एक्चुअली फॉर्म होता है इसका फॉर्मेशन के लिए वो आगे देखते हैं हम तो द एक्समेंटा अरेंज इज शोन तो ये एक्समेंटा अरेंजमेंट यहाँ पे शो की गई है ओके हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द क्रिस्टल बाय हार्टली ऑसिलेटरी सर्किट तो हार्टली ऑसिलेटरी सर्किट इसको बोला जाता है जहाँ से देखो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे पास ऑन किया हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई किया है चिप ऑफ पिज क्रिस्टल लाइक क्वार्स इज प्लेसड बिटवीन टू प्लेट्स एच ओन तो यहाँ पे देखो ये चिप रखी हुई जो क्वाड्स की दो क्रिस्टल के बीच में दो ये प्लेस टू दो प्लेट्स है उनके बीच में सूटेबल हार्टली ऑसिलेटर, तो एक हार्टली ऑसिलेटर जो है इस कनेक्टेड एक्रॉस इट ओके तो इसके एक्रॉस में एक क्या गया सूटेबल हार्टली ऑसिलेटर भी कनेक्टेड है द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन अलॉन्ग इलेक्ट्रिक एक्सीस प्रोड्यूस मैकेनिकल वाइब्रेशन अलॉग द मैकेनिकल एक्सेस तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जो है इलेक्ट्रिक एक्सिस के अलाव को क्या करेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे मैकेनिकल एक्सिस के अलाउँ द फ्रिकवेंसी ऑफ ऑ ऑसिलेटर इज इंक्रीज तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी ऑसिलेटर की तो क्या होगा एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तो किसी फ्रिक्वेंसी पे द ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल तो ये जो ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर ऑसिलेटर रहता है तो ये क्या होगी सेम हो जाएगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है इसके उसके साथ देन क्रिस्टल इज थ्रोन इंटू रिजोनस तो वो टाइम पर क्या होगा अगर हमने अप्लाइड की हुई फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो गई तो रिजोनस फिनोमिना वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पे द क्रिस्टल इज थ्रोन इंटू रिजोनस तो रिजोनस में चला जाएगा क्रिस्टल और उसके लिए इसके वजह से क्या होगा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे एंड अल्ट्रासाउंड इज गिवन आउट और वाइब्रेशन होने की वजह से अल्ट्रासाउंड वहाँ पर बाहर निकलेगा ओके okay? वहाँ पर अल्ट्रासाउंड एक्चुअली प्रोड्यूस होगा तो ये एक्चुअली इसकी वजह से हुआ अभी अप्लीकेशन क्या क्या है अल्ट्रासोनिक वेव्स के तो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसके वाइड रेंज ऑफ अपलीकेशन है उसके अलग अलग फील्ड में जैसे इंजीनियरिंग में मेडिकल फील्ड में मेटालॉजिकल फिजिकल केमिकल एक्सेट्रा ओके तो कौन से कौन से पहले फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए तो कौन से फ्लॉज ये डिटेक्ट करता है डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन जॉब ओके तो अलग अलग हमारे जो इंडस्ट्रीज में जॉब्स रहते हैं ओके जॉब्स मतलब जॉब नहीं जैसे वो जॉइ joint, जॉइंट्स रहते हैं ना उनको ही जॉब्स बोला जाता है तो वो उसमें जो अगर क्रैक्स रहेंगे तो वो डिटेक्ट करता है वॉल्स या ब्रिजेस में भी क्रैक रहेंगे तो वो फ्लॉज सब डिटेक्ट करने का काम करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स देन अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग एंड कटिंग ड्रिलिंग एंड कटिंग तो आपने सुना ही होगा तो लेकिन अल्ट्रासोनिक का यूज़ करके कि यहाँ पे होल्स किए किए जाते हैं और जो हार्ड मटेरियल्स है जैसे ग्लास डायमंड उसको भी कट किया जाता है देन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी रहता है ओके okay? तो ये अल्ट्रासनिक ड्रिलिंग के लिए इस तरह से देखो ये ड्रिलिंग रहता है अल्ट्रासोनिक का ये ऐसे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट वाइवरेट रहता है देन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग रहता है ना वो क्या रहता है अल्ट्रासोनिक पावर रिमूव ऑयल तो अल्ट्रासोनिक जो पावर है वो एक्चुअली क्या करते हैं ऑयल को रिमूव करने के लिए ग्रीस सोप डस्ट एक्सेट्रा सबको रिमूव करने के लिए और यूज फॉर क्लीनिंग इन रिसर्च लेबोरेटरी में क्लीन करने के लिए यूज फॉर क्लीनिंग केबल टेप ट्यूब्स एक्सेट्रा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग इज यूज इन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ है अल्ट्रासोनिक क्लिन का लेकिन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या चीज़ है तो वेल्डिंग हमें मालूम है इट इज़ एडवांस टेक्निकल प्रोसेस फॉर जॉइनिंग नॉन फेरस मेटेरियल तो यहाँ पर दिखाया गया है देखो जैसे ही ये मटेरियल अंदर रखा जाता है वहाँ पर और जैसे ही वो प्रेस करता है वो तो डायरेक्ट वेल्ड हो जाता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वायर एंड मेनी मेटल अलॉयस ओके ये सब को ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज़ करते हैं इट इज़ अ कोल्ड फेज फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्निक तो ये क्या है कोल्ड फेज फ्रिक्शन वेल्डिंग टेक्निक है इसमें किसी भी तरह का मेल्टिंग नहीं होता और यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी नहीं होता है ओके okay? अभी देखो सोनार रेज सोनार रेज हमने ये वर्ड बहुत सुना होगा ओके okay? तो ये जो रहता है इट इज़ द अमेरिकन टर्म फर्स्ट यूज इन वर्ल्ड वॉर वन में हमने ये सुना था ये इट इज़ एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको साउंड नेविगेशन और रेंजिंग बोलते हैं तो ये क्या करता है एक्चुअली ये ट्रांसमिट करता है साउंड को एंड रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट सबमरीन ऑब्जेक्ट्स तो सबमरीन ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे उसे एक्चुअली फाइंड करने के लिए मतलब तो यहाँ पे देखो अगर आ जाता है तो क्या होता है वहाँ से वो वापस ट्रांसमिट पहले वो करते हैं देन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है ओके okay? ये रेस तो इसके वजह से पता चल जाता है कि कोई सबमरीन वहाँ पर आई है कि नहीं ओके okay? कोई ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं ओके अदर ऑब्जेक्ट्स इन ओशियंस वो फाइंड कर लेता है इस यूज फॉर माइंड डिटेक्शन एंड डेप्थ डिटेक्शन के लिए भी डेप्थ डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है एंड माइंड डिटेक्ट करने के लिए भी ओके इको कार्डियोग्राफी क्या रहता है देखो इको कार्डियोग्राफी हमें मान लो कार्डियोग्राफी मतलब हमारे हार्ट का जो कुछ वहाँ पे हम ग्राफिकल फॉर्म में हम देखेंगे वही के उसके पल्सेस वगैरह इट इज़ यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ हार्ट यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ दिस वेव्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ओके तो ये हार्ट की इमेज फॉर्म करता है रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन के साथ डिफ्रेक्ट करके और डिटेक्शन करके कर वेव्स को अलग अलग पार्ट्स में देन अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब यहाँ यह पे देखो ये सोनोग्राफी का एग्जाम्पल दिया गया है उसी को अल्ट्रासोनोग्राफी एक्चुअली बोला जाता है तो ये मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चल रहा है वो देखने के लिए ठीक है लीथोट्रिप ट्रिप्सी लिथोट्रिप्सी क्या रहता है डी यूज टू ब्रेक स्टोन इन किडनी तो किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके देन इको लोकेशन साउंड एंड इकोज आर यूज टू डिटरमाइन ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस ओके स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है क्या तो इसके लिए भी ये साउंड एंड इकोज यूज का यूज़ करके वो फाइन कर लेते हैं मतलब कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइन करने के लिए डि डेक्शन ऑफ सिग्नलिंग तो सिग्नलिंग क्या है अल्ट्रासाउंड वेवज आर फोकस्ड इन टू शार्ट बीम तो ये शार्ट बीम पर फोकस करते हैं एंड यूज फॉर सिग्नलिंग इन अ सर्टेन डिरेक्शन और ये क्या करता है सिग्नलिंग <coughs> करने के लिए किसी भी डरेक्शन में इसका यूज़ होता है नेक्स्ट क्या है देखो टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ सी तो हमने देखा देखो कि जो डेप्थ डिटरमाइन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक का यूज़ करता है तो कैसे करते हैं देखो अल्ट्रासोनिक सिंस अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी हाई एनर्जी उसमें हाई एनर्जी रहती है और डेविएशन बहुत कम दिखाता है इसमें सो so, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ द सी टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग द वेव एंड रीचिंग द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी इज रिकॉर्डेड तो क्या है जो टाइम हम हमें लगेगा कि वेव सेंड करने के लिए एंड वापस उसका रिटर्न बॉटम से वो वापस रिटर्न आने के लिए <coughs> तो वो रिकॉर्ड किया जाता है ओके okay? तो वो उस पर देखा जाता है उसको टाइम यहाँ पे डिनोट करते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस लगेगा वो डेंट डिवाइड बाय टाइम तो यहाँ पे क्या होगा टू इंटू डेप्थ जितना डेप्थ है उसका डबल वो एक्चुअल डिस्टेंस और टाइम कितना लगता है वो तो क्या होगा डेप्थ इज इक्वल टू वेलासिटी अपॉन तो क्या होगा डेप्थ की डेप्थ का डिफिनेशन कैसे होगा वेलासिटी अपॉन टू टी ओके टू टाइम्स टाइम तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होगा डेप्थ का ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी टू डेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच